क्या चुनाव में आपके वोट की चोरी होती है? ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच में बहुत से मतदाताओं के दिल में ये सवाल उठता रहता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में वोट की चोरी पर रोक लगाने के मामले में अहम सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को ही रद्द कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बूथ वाइज फॉर्म 17C के आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये फॉर्म 17C ऐसी चीज है जिसके आंकड़े अगर सार्वजनिक हो जाएं तो ईवीएम में वोट डलने के बाद गड़बड़ी की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये फॉर्म 17C होता क्या है, और फिर हम आपको आज सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई के बारे में बताएंगे। चुनाव संचालन नियम 1961 के तहत फॉर्म 17C में हर मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसमें मतदान केंद्र के कोड नंबर, नाम, वोटर्स की संख्या, उन वोटर्स की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला, उन वोटर्स की संख्या जिन्हें वोट डालने की इजाजत नहीं मिली, ईवीएम में दर्ज किए गए कुल वोटों की संख्या, खारिज हुए कुल वोटों की संख्या और वजह, पोस्टल बैलेट की संख्या वगैरह का डेटा दर्ज किया जाता है। इसकी कॉपी को पीठासीन अधिकारी जांचता है और हर पार्टी के बूथ एजेंट को इसकी कॉपी मिलती है। जिस दिन रिजल्ट आता है यानी वोटों की गिनती होती है, उस दिन अगर ईवीएम में वोटों की गिनती घटा दी जाए या फिर बढ़ा दी जाए तो फिर फॉर्म 17C में दर्ज आंकड़ों से उसका मिलान किया जा सकता है, और अगर आंकड़ों में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। मतदान डाटा का उपयोग चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देने के लिए भी किया जा सकता है। जहां पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए फॉर्म 17C के डेटा से चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। जाने माने चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव फॉर्म 17C को बेहद अहम बताते हैं। वोटर टर्नआउट को लेके डेटा जो है वो बार बार बदला गया, और अभी 1 करोड़ से ज़्यादा का वोट शेयर जो है वो बदल दिया गया, लेट जो है डेटा जारी किया कि अभी वोट शेयर बढ़ गया। इसको लेके क्या आपका ओपिनियन है? क्या इसमें कुछ फर्जीवाड़े की आशंका है या ये संभावना है कि भाई बाद में डेटा मैच किया जाता है तो ये नेचुरल सी बात है कोई इसमें? मेरा अपने दोस्तों से थोड़ा सा अलग ओपिनियन है। सब चीज़ों में बात करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की साख इतनी गिर गई है कि अगर आप इसमें कह दो कि ये तो मेरा बटुआ निकाल के ले गए तो लोग विश्वास कर लेंगे, मतलब हालत इनकी ये आजकल हो गई है। लेकिन हमें हर चीज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो इलेक्शन टर्नआउट का डेटा देरी से रिलीज कर रहे हैं ये शंका की बात है। बिल्कुल पहले के पैटर्न को बदल रहे हैं, बिल्कुल बदल रहे हैं, और कुछ छुपाव दुखाव का खेल है, बिल्कुल है। लेकिन आप अभी से मान मत लीजिए कि 1 करोड़ वोट की हेराफेरी हो गई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। चूंकि, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन कमीशन की नियत पे भरोसा नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के नियमों पे भरोसा है। और नियम में एक 17C फॉर्म है जो कि किसी भी बूथ में जैसे ही पोलिंग खत्म होती है तो एक फॉर्म है जिसके ऊपर लिखा जाता है कितने टोटल वोट पड़े। टोटल थे कितने? 1272 वोट थे जिसमें से 648 वोट डले, और उस पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साइन होते हैं, हर कैंडिडेट के जो एजेंट है उसके सिग्नेचर होते हैं, उसकी कॉपी प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है और उसकी कॉपी हर एजेंट के पास होती है। लेकिन कई लोगों ने आरोप लगाया कि 17C फॉर्म तो दे ही नहीं रहे वो लोग, कई ऐसे लोगों ने आरोप लगाया। जो ऐसे लोकल स्थान पे कई जगह पे ऐसी हेराफेरी भी होती है, इसलिए छोटी मोटी बदमाशियाँ होती हैं, मगर 17C आम तौर पे मिलता है। और इसलिए, और दूसरा इसका प्रोसीजर ये है कि अगले दिन स्क्रूटनी होती है, सारे 17C फॉर्म को इकट्ठा करके रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बैठ के इकट्ठा करके कैंडिडेट्स के सामने दिखाता है कि इतना इतना वो हुआ है और उसका टोटल करता है। तो अगर वहाँ तक ये हुआ है उसके बाद हेरा फेरी लगभग असंभव है, मतलब बहुत बवाल हो जाएगा। इसलिए जो ऑपोजिशन कह रहा है और जो ADR वगैरह कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ, ये कि आप सारा 17C फॉर्म पब्लिक कीजिए। अच्छा, मैं केवल एक चीज चाहता हूँ, मेरे को चिंता उसकी इतनी नहीं है कि इन्होंने कितने घंटे देरी की। देरी करने में इनएफिशिएंसी भी कारण होता है, तो ये निकम्मापन है या कि बदमाशी, इसमें से अंतर मैं करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सारा 17C फॉर्म इंटरनेट पे डाल दीजिए, आपके पास है, आप उसका टोटल भी कर चुके हो, वो सारी चीज़ डालिए और काउंटिंग शुरू होने से पहले डालिए। क्योंकि
वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पोस्टल बैलेट को चाहिए, पोस्टल बैलेट की संख्या डालिए। अब देखने में बड़ी साधारण बात लगती है कि हाँ नहीं होना चाहिए। 2019 में हुआ था ऐसा, अच्छा दब गई थी ये बात। 2019 में चुनाव का परिणाम आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बूथ वाइज वोट शेयर रिलीज करने शुरू कर दिए और किसी पत्रकार ने उसको एड अप करके कहा कि ये तो इसमें इतने वोट डले, पोस्टल बैलेट इतने हैं, मिला के देखें लेकिन आपने वोट जो काउंटेड है वो तो अलग है, उसमें फर्क है, किसी में कुछ सैकड़ों का फर्क था, किसी में हजारों का फर्क था। तो इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब देने के बजाय रातों रात अपनी वेबसाइट से सारे आंकड़े हटा दिए। इसलिए संदेह। अब आप समझ चुके होंगे कि चुनाव में गड़बड़ी को रोकने के लिए फॉर्म 17C क्यों इतना अहम हो जाता है, लेकिन आरोप है कि कई जगहों पर चुनाव अधिकारी विपक्षी दलों के बूथ एजेंट को फॉर्म 17C नहीं दे रहे। आरोप लगता है कि बाद में चुनाव की जो संख्या है, वोटों की संख्या, उसमें घटाया जा सकता है, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, गड़बड़ी की जा सकती है। इस बारे में विपक्ष की कई पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को आगाह भी करते रहते हैं। यहाँ जहाँ भी खड़े हैं आप लोग भाई लोग, आप लोग सुन लीजिए, पोलिंग बूथ के जो भी एजेंट हैं, आप लोगों को सुबह में जो वॉक होता है वो उसमें आपको जाना है और सुबह में 6 बजे पहुंच जाना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ही सारा मतदान खत्म हो जाता है, 17C याद रखिएगा, 17C का फॉर्म है, 17C फॉर्म को भरवा करके उसमें यह लिखा जाता है कितने लोगों ने मतदान कर लिया, उसका सारा डिटेल आता है, वो सब आपको फॉर्म लेकर के जाना है। दूर दराज जहाँ भी खड़े हैं आप लोग भी मतदान कर रहे हैं, जो नहीं आ पाया है पोलिंग एजेंट उसको ये समझाना है। ये बात तो साफ है कि फॉर्म 17C चुनाव में गड़बड़ी को काफी हद तक रोकने में मददगार है, लेकिन अगर चुनाव आयोग के अधिकारी ही मनमानी करें और बूथ एजेंट को फॉर्म 17C की कॉपी ही ना दें तो फिर भला फ्री एंड फेयर इलेक्शन का क्या मतलब रह जाएगा। यह आरोप इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वोट डालने के कई दिन बाद अचानक से वोटों की संख्या में 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की बढ़ोतरी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कुल वोटों की सही गिनती करने में समय लग गया था और अचानक से बड़े इस वोट प्रतिशत से लोगों के दिल में शक पैदा हो गया और कुछ लोग देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट चले गए। ADR ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि इलेक्शन कमीशन बूथ वाइज पड़े वोटों की संख्या फॉर्म 17C में दर्ज अपने आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पिटीशन 2019 में दायर की गई पिटीशन के जैसी है जिस पर पहले ही फैसला सुनाया जा चुका है और इस पिटीशन को खारिज कर दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 17C का डेटा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना पड़ता, यानी वोटों की गिनती होने से पहले ही डेटा जनता के पास होता और चुनाव में गड़बड़ी की गुंजाइश थोड़ी और कम हो जाती। लोकतंत्र में अगर एक मतदाता के दिल में भी ये डर है कि उसके वोट की चोरी होती है तो फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का क्या मतलब रह जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।